भाई हम लोग किस्मत में कहाँ विदेश घूमना यार। यार बहुत पैसा खर्च होता है विदेश घूमने में, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी हुआ हमारी किस्मत में तो देखेंगे, चलो देखते हैं अगली साल, देखते हैं या देखते हैं कभी हमारे नसीब में हुआ तो। दोस्तों मैंने अक्सर काफ़ी लोगों को ये ऐसी इस तरीके की बातें करते हुए सुना हुआ है कि विदेश जाना बहुत महंगा होता है और हम लोग घूम नहीं सकते और इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत इम्पॉसिबल है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो लोग कहीं जाना नहीं चाहते या फिर उन्हें जानकारी कम है। अब जो लोग जाना नहीं चाहते उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, और जिन लोगों को जानकारी कम है तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ ऐसी सीरीज़ बनाई जाए, कुछ ऐसे देश लेकर के आया जाए जिनको आप 50,000 के अंदर इंडियन रुपीज़ में घूम सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होगा आपकी फ़्लाइट्स, होटल, आपका खाना पीना और आपके साइट सीइंग वगैरह और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इन वीडियोज़ में मैं देने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ में हम शुरुआत करेंगे ऐसे देश से जो कि हमारा एक पड़ोसी देश, और जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो देश है नेपाल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नेपाल कैसे पहुँचे हैं, वहाँ पर कहाँ पर रुके हैं, अपनी आइटनरी कैसे बनाएं और किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं नेपाल के अंदर। चलिए फिर समय को ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका इस सीरीज़ के पहले वीडियो में जो होने वाला है नेपाल के बारे में। जैसा कि आपको पता है 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में बहुत ही भयानक एक भूकंप आया था जो लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का था, जिसने नेपाल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था और उसमें लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों की जान गई थी और 25 से 30 हज़ार लोग घायल हुए थे। और जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी का नाम है चलना, तो नेपाल ने भी अपने आप को दोबारा खड़ा किया और आज नेपाल टूरिस्ट के स्वागत के लिए तैयार है। नेपाल जो है साउथ एशिया में विभिन्न हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ एक काफ़ी खूबसूरत देश है। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपने नॉर्थ में चाइना और साउथ में इंडिया से घिरा हुआ है। लगभग 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ खूबसूरत देश नेपाल हिंदू धर्म का बहुत बड़ा देश माना जाता है और दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से नेपाल में 8 हैं, जिसमें से सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसमें से गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी शहर में ही हुआ था। ट्रैकर्स के लिए नेपाल पहली पसंद है, जिसमें से अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक और एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक नेपाल में ही कराई जाती है। आइए बात करते हैं कि नेपाल पहुँचा कैसे जाए। दोस्तों वैसे तो नेपाल आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस या बाय कार कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं बाय ट्रेन की। तो दोस्तों अगर आप ट्रेन से नेपाल जा रहे हैं तो उसके दो रास्ते हैं, पहला तो है रक्सौल जो कि है बिहार में और दूसरा है गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में। यदि आप रक्सौल से नेपाल जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी रक्सौल के लिए। रक्सौल से नेपाल की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, लेकिन आपको इसके लिए बीरगंज जाना पड़ेगा जिसकी दूरी 8.5 किलोमीटर है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो टैक्सी की सुविधा आराम से 50 से 60 रुपये के अंदर मिल जाएगी। बीरगंज जो है वो नेपाल के अंदर आता है। रक्सौल से काठमांडू की दूरी लगभग 137 किलोमीटर है। रक्सौल से आपको काठमांडू जाने के लिए एसी नॉन एसी बस आराम से 800 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगी, जिस दूरी को तय करने में लगभग आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। और दोस्तों यदि आप गोरखपुर होते हुए नेपाल जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली या किसी भी अपने शहर से गोरखपुर के लिए ट्रेन लेकर गोरखपुर पहुँचना होगा और फिर गोरखपुर से आपको सनौली पहुँचना होगा। लेकिन सनौली पहुंचने के लिए आपको पहले गोरखपुर से नौतनवा की ट्रेन लेनी होगी जो कि डिस्टेंस होगा लगभग 90 किलोमीटर का, और नौतनवा पहुंचने के बाद सनौली का जो डिस्टेंस रहता है वो लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर रहता है, जिसके लिए आपको आराम से टैक्सी या ऑटो 50 से 60 रुपये में सनौली बॉर्डर तक के लिए नौतनवा से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको काठमांडू आने के लिए सनौली बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर अंदर भैरवा पे आना पड़ेगा। भैरवा पे आपको काठमांडू के लिए एसी नॉन एसी बस आराम से मिल जाएगी 800 से 1500 रुपये के बीच में।
भैरवा से काठमांडू का जो डिस्टेंस रहेगा वो लगभग 270 किलोमीटर रहेगा, जिसको आपको तय करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। और दोस्तों यदि आप प्लेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप प्लेन डायरेक्ट फ्लाइट आप ले सकते हैं काठमांडू के लिए, जिसका फेयर लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में होता है राउंड ट्रिप आना जाना। दोस्तों अगर आप बस से नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली के अम्बेडकर बस टर्मिनल से आपको डायरेक्ट दिल्ली से काठमांडू की बस मिल जाएगी, जो मंडे टू सैटरडे डेली चलती है और संडे का इसका ऑफ रहता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को डीटीसी की वॉल्वो चलती है और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को अपने मार्कोपोलो चलती है नेपाल गवर्नमेंट की बस, जिसका किराया 2850 रुपये होता है और वो काठमांडू पहुँचाने में लगभग 30 से 35 घंटे लेती है। दोस्तों एक कंप्लीट सीटिंग बस है और इसकी बुकिंग आप dtcbooking.com से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों यदि आप अपनी पर्सनल कार लेकर नेपाल जा रहे हैं तो इसके लिए आपको नेपाल गवर्नमेंट से एक परमिट लेना होता है जिसको भंसार कहते हैं, जिसके चार्जेस पर डे के लगभग 400 से 500 नेपाली रुपए के आसपास होता है। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपका जितने दिन का ट्रैवल है उससे 2-3 दिन का एक्स्ट्रा ही परमिट बनवाएं, बिकॉज क्योंकि अगर आपका ट्रैवल एक्सटेंड हो गया और परमिट आपका एक्सपायर हो गया होता तो आपका 2.5 से 3 हज़ार रुपये का पर डे का फाइन लग सकता है। और ये परमिट या भंसार बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो चाहिए होगा, एक तो आपकी गाड़ी की आरसी और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए आप बॉर्डर से किसी एजेंट को भी पकड़ सकते हैं, वो लगभग 150 से 200 नेपाली रुपये लेगा और वो आपका सारा काम करवा करके दे देगा, इसमें आपको कोई भी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब नेपाल एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेपाल विजिट करने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं होगा नेपाल एंट्री के लिए, तो अपना पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड ही यूज़ करें। दोस्तों अब नेपाल में पहुँचने के बाद आपका जो ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सिम कार्ड आपके स्मार्ट सेल और एन सेल के मिलते हैं वहाँ पर आपको, पर एज़ पर माई रिसर्च जो सबसे बेस्ट सिम आती है वो आती है एन सेल की, जो आपको लगभग 200 से 250 नेपाली रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें करेंसी की तो नेपाली की करेंसी इंडियन करेंसी से फिक्स है, 1 रुपये इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपया। तो आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपको उसके 160 नेपाली रुपये मिलेंगे। और इंडियन करेंसी भी लगभग नेपाल के अंदर एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए जो नए 500 और 2000 के नोट हैं तो उसको पहले ही चेंज करवा लें, बिकॉज आपको नेपाल में जाने के बाद में परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि वो नोट वहाँ पर एक्सेप्टेबल ना हो। और इसके बाद आप आते हैं होटल स्टे पे, तो होटल स्टे आपको काठमांडू शहर में आपको लगभग 400 रुपये से लेकर के आपको 2000-2500 रुपये तक के मिल जाएंगे। वो आपको कैसे बुक करने हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, आपको किस तरीके से बुक करना है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेपाल में आप 4 से 5 दिन का प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप काठमांडू और पोखरा शहर को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है वो काठमांडू शहर कितने दिन रुकना है, तो आप कब काठमांडू पहुँच रहे हैं उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप रात में लेट नाइट पहुँच रहे हैं तो आप 3 रातों का प्लान बनाइए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हैं तो आप 2 रातों का भी बना सकते हैं। काठमांडू शहर आराम से 2 रातों में आपका कवर हो सकता है। तो काठमांडू में हम अपने दिन की शुरुआत पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू कर सकते हैं, जो कि शिवजी महाराज को अर्पित है। ये काठमांडू शहर का बहुत ही फेमस टेंपल है, जिसको 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये टेंपल भागवती नदी के किनारे पे स्थित है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट करने के बाद में आप स्वयंभूनाथ टेम्पल को विजिट कर सकते हैं, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर है पशुपतिनाथ टेम्पल से। ये बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल है और इसको आप विजिट करके आप यहाँ पर लंच भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे कैफेज हैं। और लंच करने के बाद में आप वापसी अपने होटल जाते टाइम दरबार स्क्वायर को विजिट कर सकते हैं। दरबार स्क्वायर राजा का ओल्ड पैलेस हुआ करता था और वो काफ़ी खूबसूरत स्क्वायर बनाया गया है, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। और उसके साथ में ही आप थामिल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है इस दरबार स्क्वायर से, तो आप साथ में उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा एक दिन कवर हो जाएगा और साइट सीइंग आपकी पूरी कवर हो जाएगी एक दिन के अंदर। काठमांडू में लोकल घूमने के लिए आप पठाओ ऐप या इंड्राइव ऐप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं है काठमांडू में काफ़ी वर्ल्ड क्लास कैसिनोज हैं, जहाँ पर लोग विजिट करते हैं। और जिसने कभी कोई कैसिनो नहीं देखा है तो वो कैसिनो विजिट कर सकता है, उससे कोई चार्जेस नहीं लगता है। आपको जाकर इंडियन पासपोर्ट या इंडियन आईडी दिखानी है तो आप दिखा करके कैसिनो विजिट कर सकते हैं।
बाकी अगर आप गैम्बलिंग करना चाहें या कुछ भी गेम खेलना चाहते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं, तो वो आप अपने रिस्क पे, जो भी आपका एपेटाइट है उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं। डे टू की शुरुआत आप चंद्रागिरी हिल्स से कर सकते हैं, जिसका डिस्टेंस काठमांडू से लगभग 14 से 15 किलोमीटर है, जिसमें पहुंचने के लिए आपको लगभग 30 से 45 मिनट लग सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत केबल राइड है, जिसका राउंड ट्रिप आपको 1000 से 1200 नेपाली रुपए के आसपास पड़ेगा। चंद्रागिरी हिल्स के पहाड़ पे जब आप केबल कार से ऊपर जाओगे तो एक बहुत ही पुराना टेम्पल तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, और उसके अलावा अन्नपूर्णा और हिमालय का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ओपन व्यू आपको दिखेगा। इसके अलावा आप काठमांडू शहर में बौद्धनाथ स्तूपा को भी विजिट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत स्तूपा है। तीसरे दिन की शुरुआत आप एक करेंगे बस राइड से, जो आपको लेके जाएगी काठमांडू से पोखरा। काठमांडू से पोखरा एसी नॉन एसी बस चलती है, जिसमें नॉन एसी का किराया होता है लगभग 700 से 800 नेपाली रुपए और एसी का होता है 1100 से 1500 नेपाली रुपए। ये बस लगभग 6 से 7 घंटे लेती है काठमांडू से पोखरा पहुंचाने के लिए। ये बस राइड आपको सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग शुरू करनी पड़ेगी और ये आपको लगभग 2 से 3 बजे दिन में आपको पोखरा पहुंचा देगी। पोखरा पहुंचने के बाद होटल में चेक इन और लंच करने के बाद में आप अपने टाइमिंग के हिसाब से जो साइट सीइंग है वो इस अपने हिसाब से प्लान कर सकते, जिसमें सबसे पहला हो सकता है डेविस फॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, और एक टनल गुफा में जा कर के एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस लगभग 30 से 50 नेपाली रुपया होती है। इसके अलावा विजिट कर सकते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जो कि 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है देवीस फॉल से। फोर्थ और लास्ट डे आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे सारंगोट सनराइज पॉइंट से। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है सनराइज के लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे सनराइज देखने के लिए आते हैं, तो आप अपने चौथे दिन की शुरुआत सारंगोट सनराइज पॉइंट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोखरा में प्लान कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग। पोखरा पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत फेमस है, जिसकी प्राइस होती है 2000 से 3000 रुपए के आसपास। वो आपके बार्गेनिंग ट्रिक पे डिपेंड करता है, आपको 1800 रुपए की भी पड़ सकती है, 2000 की भी पड़ सकती है, 2200 से लेकर 3000 के बीच में आपको पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट आपको पड़ सकती है। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं, आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो पोखरा आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है पैराग्लाइडिंग के लिए। पोखरा में आप पैवा लेक पे अपने बोटिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 200 से 300 नेपाली रुपए पड़ेगी पर पर्सन, और पैवा लेक पे आप अपना दिन भी पूरा स्पेंड कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी सुंदर सुंदर बोट्स आपको पैवा लेक में मिलेंगी, तो अपना दिन बिताने के लिए पैवा लेक पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 2 दिन अपने पोखरा में स्पेंड कर सकते हैं। साइट सीइंग जो जो मैंने आपको बताई, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आप किस टाइम पे आप पोखरा पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे आप साइट सीइंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप अपने नेपाल ट्रिप को 4 से 5 दिन के अंदर प्लान कर सकते हैं और अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है और थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, तो आप बाय प्लेन नेपाल को विजिट कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा 22,000 से 25,000 के बीच में आएगा, और अगर आपको बजट कम है और थोड़ा सा टाइम है आपके पास में, तो आप ट्रेन या बस से ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपका जो नेपाल ट्रिप का जो खर्चा आएगा वो लगभग 12 से 15,000 के बीच में आपका नेपाल ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी साथ दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इस टाइप की वीडियोज़ में आपके लिए और भी लेकर के आऊँगा, कि जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप अंडर 50,000 रुपीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ और विजिट कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, सब्बा केयर।